बेटे ने की थी अपनी माँ की हत्या और पुलिस को गुमराह करने के लिए बनाई थी एक अनोखी योजना, पर जांच के दौरान इस योजना की पोल खुल गई, खुल गया राज। जी हाँ, खबर प्रयागराज से है, जहाँ प्रयागराज में एक बेटे ने अपनी सगी माँ को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा उसने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसकी माँ उसे काम पर जाने के लिए टोकाटाकी करती थी। हत्या के बाद आरोपी बेटे ने पुलिस को गुमराह करने के लिए घर में क्राइम सीन लूट का क्रिएट किया ताकि पुलिस लूट की वो वारदात मानकर जांच करे और उस पर कोई शक न करे। लेकिन पुलिस ने जब हर एंगल से बारीकी से जांच की तो लूट की कहानी ही झूठी निकल गई। हत्यारे बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया और कड़ी पूछताछ के बाद हत्यारे बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया उसे भी बता दिया। इस घटना से पूरे इलाके में हर कोई हैरत में है और लोग यही सोच रहे हैं कि कोई बेटा अपनी ही सगी माँ को कैसे मार सकता है। प्रयागराज के करेली इलाके के भावापुर में 21 जुलाई को सुभद्रा पाल नाम की एक महिला की सर पर पत्थर से वार करके हत्या कर दी गई थी। घटना की सूचना मृतक महिला के बेटे सचिन पाल ने पुलिस को दी तो मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। फौरी तौर पर लगा कि कोई महिला की हत्या करके सामान और घर का पैसा लूट कर ले गया है, क्योंकि घर का सामान बिखरा पड़ा था और अलमारियां खुली पड़ी थी। सुभद्रा के बेटे सचिन ने दो अज्ञात लोगों पर इस वारदात का मुकदमा भी दर्ज कराया और यह भी लिखवाया कि बदमाशों ने उसकी माँ को मारकर घर में रखा 15 लाख रुपया भी लूट ले गए। सुभद्रा के बेटे सचिन ने मुकदमा तो दर्ज करा दिया और मर्डर की जांच भी शुरू हो गई और आसपास लगे सीसीटीवी को जब खंगाला गया तो दो संदिग्ध युवक दिखे जो घर घर जाकर चंदा मांग रहे थे। पुलिस को पहला शक इन लोगों पर हुआ, लेकिन वारदात के दूसरे दिन भी ये दोनों युवक उसी तरह इलाके में चंदा मांगने पहुंचे। इससे पुलिस को साफ हो गया कि अगर हत्यारे ये लोग हैं तो दूसरे दिन घटना वाली जगह पर नहीं आते। पुलिस ने दोनों युवकों को उठाया और लंबी पूछताछ की, जिससे यह साफ हो गया कि वारदात में इनका कोई हाथ नहीं है। तब पुलिस ने महिला के बेटे और उसके पति से पूछताछ की, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तब प्रयागराज के डीसीपी सिटी दीपक भूकर और एसीपी पुष्कर वर्मा ने वारदात के समय के दौरान और वारदात के बाद के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से खंगालना शुरू कर दिया। मृतक महिला के मोबाइल और उसके बेटे सचिन की सीडीआर निकलवाई और मृतक के बेटे सचिन के बयानों से उसका मिलान कराया, जिसमें कई फर्क सामने आ रहे थे। मृतक महिला सुभद्रा की हत्या के बाद पुलिस ने जब उनके बेटे की मोबाइल की लोकेशन निकाली तो वारदात के वक्त भी उसकी लोकेशन सेम थी और सीसीटीवी चेक किया गया तो वारदात के बाद ही वो घर से बाहर बाइक से निकला था। दोनों अफसरों ने इसी बिंदुओं पर जांच की और आरोपी से क्रॉस सवाल किए तो वो पुलिस को भटकाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने अपनी माँ की हत्या करने की बात कबूल कर ली। पूछताछ में सचिन ने पुलिस को बताया कि उसकी माँ उसे रोज हाईकोर्ट के पास दुकान पर जाने के लिए टोकती थी। उस दिन ने भी माँ ने उसे टोका और दो थप्पड़ दर दिए। इसके बाद सचिन ने अपनी माँ को मुक्के से मारा जब वो गिर गई। उसके बाद सचिन मसाला पीसने वाले बट्टे से अपनी माँ के सर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दो कथित पत्रकारों ने उसे ये राय दी थी कि FIR में 15 लाख की लूट दिखा दो, जिसे तुम बच सकते हो। पुलिस ने उन दो कथित पत्रकारों को भी हिरासत में ले लिया है और उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की है कि उन्होंने ही आरोपी सचिन को जांच भटकाने की राय दी थी। उसके आगे सचिन ने पुलिस को जो बताया वो और भी हैरान करने वाली है। दरअसल वारदात के बाद सचिन अपनी माँ की लाश घर में छोड़कर सीधा बाइक से पुराने कर्जदार के पास पहुँचा, उससे कहा कि तुम्हारा 2 लाख रुपये आज हम वापस कर देंगे, घर चलकर पैसा ले लो। सचिन उस कर्जदार को अपनी ही बाइक पर बिठाकर अपने घर पहुँचा, जहाँ उसकी माँ की लाश खून से सनी हुई पड़ी थी। तब सचिन ने लूट का हल्ला मचाकर पुलिस बुलाई और पूरी जाँच को लूट बताकर बयान देने लगा। DCP दीपक भूकर ने बताया कि सचिन का अपने पिता और माँ से काम को लेकर नहीं बनती थी और आवेश में आकर उसने अपनी माँ की हत्या कर दी। लूट दर्शाने के लिए उसने कई हथकंडे अपनाए, लेकिन पुलिस की जांच में बेटा ही हत्यारा निकल गया और हत्या में प्रयुक्त पत्थर का बट्टा, मोबाइल फोन सहित कई चीजें भी बरामद कर ली गई। महिला की हत्या की सूचना मिली थी जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसमें उसके घटना के अनावरण के लिए जो हमारी SOG की टीम्स और सर्विलांस की टीम और थाने की टीम्स लगी थी, इसमें 5 टीमें, आज इस घटना का अनावरण किया गया है और इसमें ये चीज़ निकल के आई है कि जो मृतका है उसी के बेटे सचिन पाल ने ही उस महिला की हत्या की थी और फिर उसी की तहरीर के, क्योंकि वो वादी बना था और उसी ने वो तहरीर झूठी एक तहरीर देते हुए, जिसमें लूट की घटना भी उसने दिखाई कि हमारे घर से
15 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी जो लुटेरे हैं वो लूट और मर्डर कारित करके लेके गए हैं। तो ये सारी घटना उसने फर्जी तरीके से पुलिस के सामने रखी थी। मर्डर जो है वो सचिन पाल के द्वारा ही किया गया था और ये जो घटना इसने कारित की उसमें, क्योंकि इसकी जो सचिन पाल की जो मदर थी उसको बार बार काम करने के लिए और नौकरी पे जाने के लिए कहती थी, तो इसी बात पे उनका आपस में झगड़ा हुआ था और उस झगड़े के बाद ही इसने जो लोहे की एक रॉड थी उसी से उसको सिर में मार के अपनी मदर को घायल किया था और बाद में फिर तकिए से उसका मुंह दबा दिया था। तो ये घटना कारित करने के बाद इसने बहुत ही प्लानिंग के तहत एक एलिबाई क्रिएट करने के लिए 2-3 व्यक्तियों के साथ ये मिला और उनके साथ घूमा भी और उनसे, क्योंकि पहले भी ये लेन देन उनका रहता था, तो इसी बहाने उन लोगों से मिलने गया ताकि पुलिस को भ्रमित कर सके कि जिस टाइम पे घटना हुई उस टाइम पे ये मौके पे मौजूद नहीं था। जो आला कत्ल है वो भी इसने कहीं पे छुपा दिया था, वो भी पुलिस ने इसकी निशानदेही पे बरामद किया है और इसके खिलाफ जो यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।